Yes, good morning, students. Good morning, everyone. I hope I am audible and visible. Let me know in the chat box. Good morning, Namaskar, Jai Hind. Swagat hai aap sabhi logon ka aaj ke session mein. Should we proceed ahead, students, in today's session? Let me know in the chat box. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. दिस इज डॉक्टर अनुराग सिंह, अ पैशनेट यूपीएससी मेंटर एंड एक्सपर्ट इन द फील्ड फॉर द पास्ट वन डिकेड इन ऑफलाइन मेंटरिंग, पास्ट टू इयर्स इन ऑनलाइन मेंटरिंग. एंड दिस इज डॉक्टर अनुराग सिंह फ्रॉम आईएएस टॉपर्स मंत्रा प्लेटफॉर्म. आप देख सकते हैं आईएएस नॉलेज मंत्रा यूट्यूब चैनल पर यह सेशन चल रहा है. यस यस, नमस्कार, जय हिंद. तो हमारा YouTube चैनल IAS नॉलेज मंत्रा इस बार की टॉपर ऑल इंडिया रैंक वन में श्रुति शर्मा ने भी रिकमेंड किया है. उस समय मैपिंग एंड ज्योग्राफी रिलेटेड वीडियोस थे, उनको रिकमेंड किया उन्होंने. शी फॉलोड द वीडियोस और अब हम करंट अफेयर्स के सेशन इसी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च कर रहे हैं. आज दो सेशन होगा. ये पहला सेशन है न्यूज सेशन एंड सेकेंड सेशन इज आर्टिकल्स एडिटोरियल सेशन फ्रॉम 9:30 टिल 10 o'clock इन द मीन्स आफ्टर अ कपल ऑफ आवर्स. तो अभी से एक घंटे का ये सेशन, उसके बाद आधे घंटे का आर्टिकल एडिटोरियल का सेशन रीलॉन्च हो रहा है मेरी तरफ से. एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हैप्पी बिकॉज ऑफ द टू सेशंस विच विल बी गोइंग टू बी हेल्ड फ्री ऑफ कॉस्ट एवरी डे अपॉन द प्लेटफॉर्म. मैं साथ में आपको ये भी बता दूं स्टूडेंट्स दैट इसके अलावा दो पेड कोर्सेज भी हमारी तरफ से. एक वन ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफलाइन ऑनलाइन चल रहा है 2023 के प्रिपरेशन के लिए, कंप्लीट ऑप्शनल हटाकर केवल कंप्लीट जीएस सीसेट एंड प्रीलिम्स की प्रिपरेशन, साथ में इंटरव्यू प्रिपरेशन और एसए प्रिपरेशन, जनरल स्टडीज का कंप्लीट आपको दिया जाएगा. ये पैकेज है इंक्लूडिंग कंटेंट एंड टेस्ट सीरीज. इट कॉस्ट 50,000 rupees प्लस GST फॉर द ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड 80,000 rupees फॉर द ऑफलाइन स्टूडेंट्स. तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, यू कैन कॉन्टैक्ट अपॉन द फॉलोइंग मोबाइल नंबर्स जो मैं यहाँ पुटअप कर रहा हूँ. ये आज 12 अगस्त है, मैं बता दूँ आपको 12 अगस्त का ये न्यूज सेशन चल रहा है, ठीक है? तो 7276637094 एंड 8329637094. आप इन दोनों मोबाइल नंबर पे किसी पे भी संपर्क करके पता कर सकते हैं कोर्सेज के बारे में. और साथ में मैं बता दूं आपको वीकेंड करंट अफेयर्स इनिशिएटिव भी है पेड कोर्स में, ठीक है? इट कॉस्ट ओनली 2,500 rupees पर मंथ इंक्लूडिंग आंसर राइटिंग. उसमें ये मेंबरशिप फीस है, आंसर राइटिंग भी है और उसमें सारे न्यूज़पेपर्स की सिनॉप्सिस, मैगजीन्स एंड PIB, डाउन टू अर्थ साइंस रिपोर्टर, योजना, कुरुक्षेत्र, सब कुछ इंक्लूडेड, इंक्लूडिंग आंसर राइटिंग इन दैट. आंसर विल बी चेक्ड. तो सैटरडे संडे के सेशंस 4 घंटे ईच, 4 आवर्स ईच दे हैपन अपॉन द सैटरडे एंड संडे. यू कैन कॉन्टैक्ट अपॉन द मोबाइल नंबर्स. और इस सेशन के PDF के लिए IAS टॉपर्स मंत्रा टेलीग्राम चैनल पर आकर PDF ले जाइए आप लोग. चलिए बढ़ चलते हैं आज के लिए स्टूडेंट्स. आज 12 अगस्त है, रेडी हैं आप लोग? मुझे बताइए, निकाल लीजिए पेन कॉपी और निकाल लीजिए GS पेपर 1, 2, 3, 4 मेंस का सिलेबस, निकाल लीजिए एटलस स्टूडेंट्स. एंड यस, मैं बता दूं एवरी न्यूज वी आर गोइंग टू सी फ्रॉम 3 perspective. फर्स्ट इज डीकोड इंटरलिंक अप्रोच, वैल्यू एडिशन के लिए आप देख सकते हैं. वैल्यू एडिशन इज वेरी वेरी एसेंशियल इन UPSC मेंस आंसर राइटिंग. तो 10-20 वर्ड्स कहीं से भी मिल जाए, अरे आंसर और इनहेंस हो जाए, एक नंबर दो नंबर बढ़ जाता है. एंड सेकेंड स्टूडेंट्स, 360 degree अप्रोच प्रीलिम्स के लिए, बैकग्राउंड ऑफ द न्यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम वो भी चेक करते हैं हर न्यूज में, प्रीलिम्स में क्या सवाल निकल सकते हैं. एंड थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, द थर्ड पॉइंट इज अपार्ट फ्रॉम दिस इज द फुल फ्लेजेड क्वेश्चन अप्रोच. ये देखिए FFQ अप्रोच. फुल फ्लेजेड क्वेश्चन अप्रोच का मतलब होता है कौन से न्यूज से फुल फ्लेजेड क्वेश्चन मेंस में आ सकते हैं. यस यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. तो चलिए बढ़ चले स्टूडेंट्स, रेडी हैं आप लोग? टेल मी इन द चैट बॉक्स. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. सबसे पहला न्यूज जो आ रहा है आपके स्क्रीन पर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड GS पेपर 1 का टॉपिक है. इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट GS पेपर 3 का टॉपिक है. सिलेबस आपके दिमाग में छपा रहना चाहिए, आपकी आंखों के सामने दीवार पर रहना चाहिए. आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है. इंडियन एक्सप्रेस का ये आज ये आर्टिकल, फिर से वही आर्टिकल.
अब तो आदत सी हो गई है ऐसे आर्टिकल्स देखने की। देखिए यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के केस स्टडीज हर रोज आ रहा है। डू यू एग्री, टेल मी द चैट बॉक्स स्टूडेंट्स। एक ही चीज की बार बार केस स्टडीज, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। क्या तो ग्लोबल वार्मिंग भी कह रहा है कि सबसे ज्यादा न्यूज में मैं ही चल रहा हूं। अब क्या कहा जाए, अंटार्कटिका क्रम्बलिंग एट एजेस, नासा स्टडी फ्लैग्स वरिंग लॉस टू आइस शेल्फ। अंटार्कटिका पे हम लोगों ने डिटेल्ड स्टडी किया है, शायद अंटार्कटिका पे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने जितना स्टडी किया होगा उसके बाद मैप को हम लोगों ने डिटेल्ड स्टडी किया है, ठीक है। एंड मैं बता दूं दैट द लार्सन आइस शेल्फ, आज आपका हो ये होमवर्क है स्टूडेंट्स। आज मैंने जानबूझकर मैप नहीं डाला है अंटार्कटिका का, क्योंकि आपके माइंड में रहना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंड रॉस फिशनर आइस शेल्फ कुछ याद आ रहा है, लार्समैन हिल्स कुछ याद आ रहा है स्टूडेंट्स। क्या ये कुछ लोकेशंस मैंने मार्क करवाया था, मैत्रेयी स्टेशन, ये देखिए भारती स्टेशन। गुड मॉर्निंग जुड़ जाइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन चल रहा है। तो मुझे बताइए स्टूडेंट्स दिस, क्या ये सारे एरियाज आप मार्क कर लीजिएगा, मुझे बता दीजिए। अंटार्कटिका के आसपास का जो बेल्ट है, मैं बता दूं अंटार्कटिका के जो एजेस हैं, देखिए एजेस का देखिए यहाँ पे देखिए पुटअप किया गया है इमेज, ये देखिए। आइए इस मैप को, आइए इस न्यूज को थोड़ा डिटेल देख ही लेते हैं, लेट सी। अंटार्कटिकास कोस्टल ग्लेशियर्स आर शेडिंग आइसबर्ग्स मोर रैपिडली देन नेचर कैन रेप्लेनिश द क्रम्बलिंग आइस, डबलिंग प्रीवियस एस्टिमेट्स ऑफ लॉसेस फ्रॉम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइस शीट ओवर द पास्ट 25 ईयर्स। डबल हो गया है आइस लॉस, क्या ये चिंता की बात है? यस, तो नासा ने ये स्टडी किया है। टेकन टुगेदर थिनिंग एंड कार्विंग हैविंग रिड्यूस द मास ऑफ अंटार्कटिकास आइस शेल बाई 12 ट्रिलियन टन सिंस 1997। 12 ट्रिलियन टन आइस लूज हो गया है, बस ये मात्रा देखिए, वेट देखिए, कितना लॉस्ट हुआ है आइस, समझ में आ जाएगा कितनी परेशानी चल रही है। एंड द नेट लॉस ऑफ द कंटिनेंट्स आइस शीट फ्रॉम कार्विंग अलोन इन द पास्ट क्वार्टर सेंचुरी स्पैन्स 37,000 स्क्वायर किलोमीटर्स एन एरिया ऑफ स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के बराबर खो चुका है ये अपना आइस कवर, चिंता की बात है। इसका मतलब साफ है, ध्यान दीजिएगा, कल को ये देखिए यहाँ पे मैं एक फोटोग्राफ बना रहा हूँ, एक मैं यहाँ पे फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, देखिएगा। अगर आइस लॉस होगा स्टूडेंट्स तो क्या एल्बिडो पावर का मतलब पता है क्या, ये भी कम होगा। ये देखिए आइस लॉस से एल्बिडो पावर कम, एंड इसका मतलब साफ है, ये देखिए लीडिंग टूवर्ड्स मोर अब्जॉर्प्शन ऑफ सन रेज, एग्री कर रहे हैं, मोर अब्जॉर्प्शन ऑफ इंसोलेशन सन रेज। देखिए क्या सुंदर फ्लो चार्ट बन रहा है हम लोगों का। एंड ध्यान दीजिएगा एनहेंस्ड ग्लोबल वार्मिंग, ये देखिए एनहेंस्ड ग्लोबल वार्मिंग, एग्री कर रहे हैं बच्चा लोग। एंड एनहेंस्ड ग्लोबल वार्मिंग लीड्स टू मोर आइस लॉस, ये देखिए क्या बात है, एक फीडबैक साइकिल बन गया है, फीडबैक साइकिल, इसे कहते हैं फीडबैक साइकिल इन सिस्टम्स एनालिसिस। ध्यान दीजिएगा, क्या आप इस फ्लो चार्ट में एग्री कर रहे हैं, मुझे बताइए। एल्बिडो पावर क्या होता है, आइए बताते हैं। एल्बिडो पावर इज द पावर ऑफ रिफ्लेक्टिंग बैक द सन रेज, तो आइस का एल्बिडो पावर 80% है, यानी साफ साफ मतलब है अगर 5 रेज आ रहे हैं सन के तो 4 रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे विदाउट अब्जॉर्प्शन। ये देखिए केवल एक अब्जॉर्ब होता है, और वाटर का एल्बिडो पावर लेस होता है, वो ज्यादा अब्जॉर्ब करता है, एग्री कर रहे हैं, मुझे बताइए स्टूडेंट्स। दिस इज द कंप्लीट साइकिल, इसे फीडबैक लूप कहते हैं, कि इसे विशियस साइकिल भी कहते हैं। द कॉज बिकम्स द कंसीक्वेंस, द कंसीक्वेंस बिकम्स द कॉज। आई होप यू एग्री, टेल मी स्टूडेंट्स इन चैट बॉक्स। आइस लॉस से एल्बिडो पावर लेस, मोर अब्सॉर्प्शन ऑफ सनरेज, इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग अगेन लीडिंग टुवर्ड्स आइस लॉस, दिस साइकिल कंटिन्यूज Till the complete ice loss, till the complete ice is lost from the Antarctic and Arctic Ocean. ये देखिए, और साथ में क्या इसका by default एक असर होगा students, इस पूरे चीज का क्या sea level rise होगा, मुझे बता दीजिए students। ये देखिए sea level rise, ये देखिए तो ice loss हो रहा, तो यहाँ पर एक ऐसे बना दीजिए करके एक और arrow, sea level rise, क्या बात है, ये देखिए। और क्या यहाँ पर सबमर्जेंस ऑफ
कंट्रीज एंड बीचेस, ये देखिए क्या बढ़िया फ्लो चार्ट बन जाएगा। आई होप यू एग्री स्टूडेंट्स। इज दिस क्लियर? दिस इज सफिशियंट। इतना इंफॉर्मेशन अगर आप पुट कर देते हैं मैप पर, ये कॉपी में, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, दिस इज सफिशियंट, दैट्स इट। आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या ये क्लियर हुआ? अब इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना। देखिए न्यूज ऐसा नहीं है पूरा पढ़ पढ़ के रटे हुए हैं, रटना नहीं है हमें, न्यूज देख के पता चलना चाहिए कि क्या निकालना है उसमें से। एक बार निकल गया काम खत्म हो गया। अब देखिए यहां से एक और चीज बस इंपॉर्टेंट मैं बता दूं आपको, ये देखिए, वन ईस्ट अंटार्कटिक कार्विंग इवेंट दैट टुक द वर्ल्ड बाय सरप्राइज वाज द कोलैप्स एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मैसिव कॉन्गर ग्लेंजर आइस शेल्फ। आप बस इसको याद रखिएगा, कॉन्गर ग्लेंजर आइस शेल्फ इज इन ईस्ट अंटार्कटिक। कल को कोई पूछ देगा कॉन्गर ग्लेंजर आइस शेल्फ इज वेयर? स्विट्जरलैंड एल्प्स, यानी एल्प्स, आर्कटिक ओशन, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, हिमालय माउंटेन इन साइड योर होम, कहां पे है कॉन्गर ग्लेंजर आइस शेल्फ? ठीक है, तो आप क्या, आपको लगेगा यार आल्प्स न्यूज में चल रहा था, इटली में रिवर पो भी ड्राई कर गई थी, मेल्ट भी कर रहा था, सर ने खूब पढ़ाया था मस्त तरीके से जुलाई सेकेंड थर्ड वीक में, यही होगा और मार्क किया आपने और गए काम से आप। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज को याद रखिए, कॉन्गर ग्लेंजर आइस शेल्फ इज इन अंटार्कटिका, फैक्चुअल क्वेश्चन, मैच करके आ सकता है ना। सेकंड आइए देखते हैं क्लाइमेट चेंज का असर, ये देखिए, झारखंड फार्मर्स आस्क व्हाट विल वी ग्रो व्हाट विल वी ईट स्टेयरिंग एट लूमिंग ड्रॉट। ये देखिए देखिए, अब बारिश नहीं हुई है झारखंड में और यहां पुणे में ऐसी बारिश हो रही है धुआंधार कि बस ट्रैफिक जाम हैज इंक्रीज्ड। एक घंटे का रास्ता 3 घंटे में तय, 3 घंटे का रास्ता 30 घंटे में तय, और 30 घंटे का रास्ता कभी तय ही नहीं हो पाएगा लग रहा है। और इमेजिन कीजिए झारखंड में या साउथ बिहार में भी उस जगह पे बहुत मैसिव ड्रॉट की कंडीशंस आ गई है, बारिश हुई ही नहीं इस बार। दिस इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ इररेगुलरिटी या वेरिएबिलिटी इंक्रीज इन द मॉनसूनल रेनफॉल। आई होप यू एग्री, टेल मी स्टूडेंट्स इन द चैट बॉक्स, क्या ये क्लासिकल केस स्टडी है वेरिएबिलिटी ऑफ मॉनसून? मॉनसून वेरिएबिलिटी हैज इंक्रीज, यस एग्रीड। ये देखिए वेरिएशन हैज इंक्रीज, एग्रीड। क्या लिखिएगा? रिसेंटली झारखंड फेस्ड इन 2022 झारखंड इज फेसिंग अ ड्रॉट विच इज अनएक्सप्लेन्ड फॉर। मैं बता दूं ये झारखंड में बारिश क्यों नहीं हो रही है, याद कीजिए सिलचर के ऊपर क्या बादल का पूरा गुट वहीं पे था क्या आज से 1 महीना पहले? मुझे बताइए, गेटिंग द पॉइंट स्टूडेंट्स? क्या बादल का पूरा मीन्स द क्लाउड्स इन वन ग्रुप वर दे लोकलाइज ओवर सिलचर इन द लास्ट 1 month? यस। डिड दे ब्रिंग इन फ्लड्स इन सिलचर इन असम? यस। और उसका असर ये हुआ कि झारखंड में जो है मींस विंड्स नहीं आई, इसलिए सिलचर में बारिश और झारखंड और बिहार में नहीं आए रेन्स। वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड बिहार आर फेसिंग ड्रॉट, दैट्स इट। पुणे रेन शेडो एरिया में है लेकिन इतनी बारिश कैसे हो रही है, यही तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, यही तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि बारिश ऐसी क्यों हो रही है, लेकिन अभी यही बस मन कर रहा है बारिश बंद हो जाए, अभी इतनी ज़्यादा बारिश हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो झारखंड में, देखिए बोकारो में, ये बोकारो स्टील सिटी, आई होप ऑल ऑफ यू नो, इसमें देखिए ये फील्ड्स तो दिख रहे हैं कम से कम ना, कुछ तो हरियाली दिख रही है। ठीक है, फोटो लिया गया, दिस ट्राइबल पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द फील्ड्स। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हंगरी की कंडीशन। देखिए ये ड्रॉट डेवास्टेट्स द हंगरियंस, हंगरी कैपिटल बुडापेस्ट, अ गूज लुक्स फॉर वाटर इन द ड्राइड बेड ऑफ लेक वेलेंस इन वेलेंस हंगरी ऑन थर्सडे। ये बृहस्पतिवार को फोटोग्राफ ले लिया गया, ठीक है, और पुटअप कर दिया गया इंटरनेट पर, वायरल हो गया है। ये देखिए आजकल फोटोग्राफ बहुत वायरल होते हैं, और उसमें वायरल फोटोग्राफ में ये देखिए, ये कंडीशन देखिए, गूज, ये चिड़िया देखिए, चिड़िया का बच्चा देखिए, पानी तलाश रहा है, मिल नहीं रहा है, हैव अ लुक। और सबसे बड़ी बात, अब बोलेगा सर तो क्या बड़ी बात है सर, इतना तो सर चलता है, हम लोग तो देखे हुए ऐसा सूखा हमारे यहाँ पड़ता ही, हम बुंदेलखंड के हैं, हम मराठवाड़ा के हैं, हम राजस्थान के हैं, हम तेलंगाना के हैं, हम विदर्भ के हैं, सर ये सब पड़ता है हमारे यहाँ सूखा, इतना ये सब मत शो कीजिए। लेकिन
जब आप इस लेख को देखिएगा अपने सबसे अच्छे समय में, तब बताइए, तब आपको लगेगा ये वही लेख है आज से 3 वर्ष पहले। हंगरी के बीच में लोकेटेड और एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और आज इस लेक के बेड में पानी नहीं है। देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स, इज दिस अ क्रिटिकल जंक्चर फॉर द वर्ल्ड? टेल मी, आर दिस अलार्मिंग साइंस शोइंग समथिंग कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंजेस इज अकरिंग? बारिश नहीं हुई तो तालाब सूख गया, ये देखिए यहाँ पे। और स्टूडेंट सबसे बड़ी बात है कि ये हंगरी का लोकेशन देखिए, इज दिस अ स्मॉल कंट्री आउट हियर? हैव अ लुक स्टूडेंट्स, इसका कैपिटल ब्यूडापेस्ट, ये देखिए ब्यूडापेस्ट, इट्स लाइक हैदराबाद सिकंदराबाद, ट्विन सिटीज, ये देखिए रिवर डैन्यूब के ऊपर लोकेटेड, मार्क कर लीजिएगा वर्ल्ड मैप, ये यूरोप के मैप में, ये देखिए स्टूडेंट्स। डिड यू गेट द क्रक्स ऑफ द न्यूज स्टूडेंट्स? व्हाट एम आई ट्राइंग टू कन्वे? दैट दिस इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड प्रॉब्लम्स इन द क्लाइमेट। जब जहां पे पानी होना चाहिए वहां पानी हो नहीं रहा है। तो ये हंगरी का कैपिटल बूडापेस्ट लोकेट कर लीजिएगा, क्या मिला आपको हंगरी? टेल मी। और ये रिवर डैन्यूब पे लोकेटेड, डैन्यूब इज पासिंग थ्रू मेनी कंट्रीज बिफोर फॉलिंग इनटू ब्लैक सी, ये देखिए डैन्यूब यहां से निकलती है, इट फ्लोज ईस्टवर्ड्स, इट गोज लाइक दिस एंड देन इट फ्लोज इनटू ब्लैक सी, रिवर डैन्यूब, उसी पे दो शहर, ब्यूडा इधर, पेस्ट इधर। ठीक है, आप ब्यूडा में रहते हैं, आपका फ्रेंड पेस्ट में रहता है, इट्स लाइक दैट, टाटा बाय बाय यू आर डूइंग, इज इट क्लियर? ये ट्विन सिटीज, ये ज्योग्राफी ऑप्शन के बच्चा लोग जरूर नोट कीजिएगा, दे आर ट्विन सिटीज। ट्विन सिटीज का कंसेप्ट बहुत बढ़ा है आज की तारीख में अर्बनाइजेशन में, पूरे विश्व में सवाल इस बार ज्योग्राफी ऑप्शन में निकल सकता है। द राइज ऑफ ट्विन सिटीज कंसेप्ट इन द अर्बनाइज्ड वर्ल्ड, यस, हैदराबाद सिकंदराबाद, पुणे पिंपरी, नोएडा गाजियाबाद, मुंबई नवी मुंबई, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, जयपुर अजमेर, कानपुर लखनऊ, बात समझ में आ रही है, बेंगलुरु मैसूर, क्लियर? इस चीज को याद रखिएगा, अर्बनाइजेशन में अब ऐसा नहीं हो रहा कि दूर में शहर बस रहे हैं, एक ही जगह पे बस जाओ भाई, क्या दिक्कत है, पूरा शहर ही शहर। आप पूछेंगे क्या ये शहर है? नहीं, ये देश है पूरा। कितने लोग रहते हैं? अरे 7-8 करोड़ बस रहते हैं, 3-4 करोड़ इसमें, 3-4 करोड़ इसमें। आप कौन देश के हैं भाई? हम लोग भारत देश के हैं या साउथ एशिया रीजन के हैं? ऐसे ही 8-10 करोड़ तो ऐसे ही अटे हुए रहते हैं दो शहरों में लोग यहाँ पे, ये देखिए। सो दिस इज यस कटक भुवनेश्वर, आई होप यू गॉट द पॉइंट। द अर्बनाइजेशन में ये रीसेंट कंसेप्ट, राइज ऑफ ट्विन सिटीज, पहले क्या कंसेप्ट था? अ मेजर मेट्रो सिटी एंड साथ में बाहर में सेटेलाइट सिटीज, ये देखिए सेटेलाइट सिटीज, एग्री कर रहे हैं स्टूडेंट्स? दिल्ली का सेटेलाइट सिटी, सेटेलाइट का मतलब वो चंद्रमा नहीं होता है, सेटेलाइट मीन्स छोटा शहर जो उस पर डिपेंडेंट हो, ठीक है। सेटेलाइट सिटीज गुड़गांव या पानीपत, सोनीपत, मेरठ, नोएडा, दिल्ली के कंटेक्स्ट में। अब लेकिन दिल्ली का रोल ही खत्म, अब गाजियाबाद नोएडा सफिशियंट भाई, नोएडा गाजियाबाद क्या कल को चल के बहुत बड़ा नेटवर्क बनेगा? यस, एंड गुड़गांव फरीदाबाद, यू कैन सी इट हियर, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये देखिए अब आपको समझ में आ रहा है ये क्या, ये चिंता की बात है। ये हंगरियंस देखिए चिंता में है, देखिए इस बेचारे चिड़िया के बच्चे को बहुत देखकर, लेक वैलेंस है ये, आप देखिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, दिस वॉज द टॉपिक ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, केस स्टडीज का दिन था आज, नोट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, GS पेपर 2/3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी एंड गवर्नेंस इज अ टॉपिक ऑफ मीन्स इसमें एक दिस GS पेपर 2 का एक टॉपिक है आज, देखा जाए। व्हाट इज क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022? आइए देखा जाए कौन सा नियम कानून नया पास हो गया है। मैं बता दूं, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स पॉलिटी में छूट नहीं रहा है कुछ भी, पॉलिटी में बढ़ता चला जा रहा सिलेबस, आई होप यू एग्री, टेल मी द चैट बॉक्स, रोज कुछ ना कुछ पॉलिटी में। आइए देखते हैं, GS पेपर 2 यानी कि जानलेवा होता चला जा रहा है UPSC एस्पिरेंट्स के लिए, प्रीलिम्स हो या मेंस। द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 प्रोवाइड्स लीगल सैंक्शन टू लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज फॉर टेकिंग मेजरमेंट्स ऑफ कन्विक्ट्स, कन्विक्ट्स का मेजरमेंट लेने के लिए, ठीक है, एंड अदर पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रिमिनल मैटर्स। अच्छा, अरेस्ट करके, अरेस्ट करने का के लिए आपको अरेस्ट वारंट लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अरेस्ट करके आए
और उसको फिर आपने प्रूव कर दिया, उसको सर्च करना शुरू किया उस आदमी को और फिर प्रूव कर दिया यही क्रिमिनल है, यही क्रिमिनल नहीं, आपको उसके लिए एक तौर तरीका चाहिए। वो तौर तरीका है यू शुड हैव अ प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन हु कमिटेड द क्राइम ऑन द क्राइम स्पॉट। आई होप यू एग्री, टेल मी। और इसके लिए आपको मेजर करना पड़ेगा, इस इंसान का बाल कितना लंबा है यहाँ पे, ठीक है, चेहरा कैसा है, दिस मेजरमेंट्स एंड वेट कितना है, हल्का ये दिस वजन में ये हल्का है या भारी है, ये सब मेजर करना पड़ेगा। क्यों? इससे क्रिमिनल मैटर्स में मदद मिलती है। एग्री कर रहे हैं तो गिव अ यस इन द चैट बॉक्स। द लेजिस्लेशन वॉज इनएक्टेड अर्लियर दिस ईयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नोटिफाइड इट and it came into effect from August 4, 2022. ये देखिए, it also repeals the existing Identification of Prisoners Act 1920. What is the use of identification details in the criminal trials? आइए देखते हैं, measurements and photograph क्यों जरूरी होती हैं? First, to establish the identity of the culprit against the person being arrested. तो जो crime किया है, ठीक है, वहां से कुछ marks मिले हैं और जो पर्सन अरेस्ट हुआ है, क्या दोनों में मिलाप हो रहा है मेजरमेंट्स को लेकर, तभी जाकर आप अरेस्ट कर पाइएगा, आपके पास एविडेंस होना जरूरी है, ठीक है। सेकंड, आइडेंटिफाई द सस्पेक्टेड रिपीटेशन ऑफ सिमिलर ऑफेंसेस। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर सीरियल मर्डर केसेस हैं, सुना होगा आपने, आप बोलिएगा सर ये तो आप क्या क्या बता रहे हैं, नहीं, सीरियल मर्डर केसेस आपने देखा हुआ सीरियल्स में, सीरियल नहीं मूवीज में आता है, ठीक है, मीन्स एक ही तरीके से कोई मर्डर कर रहा है बार बार, तो क्या वहाँ पे भी ये हेल्प करता है ये सारी चीज़ें? यस। एंड थर्ड, एस्टैब्लिश अ प्रीवियस कन्विक्शन, यानी कि अगर कोई अरेस्ट करके पकड़, अगर कोई क्राइम स्पॉट से पकड़ा गया, उसका हिस्ट्री सर्च करना, कौन कौन से इन विच दिस स्टेट्स या बाकी पहले कौन कौन से पुलिस स्टेशन के तहत इसके खिलाफ क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, तो दिस इज For this identification is needed. What was the previous identification of prisoners act 1920? ये देखिए, और measurements include fingerprints also. Let me tell you students, face measurements, fingerprints. Even though the police has powers of arrest, mere arrest does not give them the right to search a person. Police requires legal sanction to search the person and collect evidence. These legal sanctions are designed so as to maintain a balance between rights of an individual and the interest of society in prosecution and prevention of offences. So, Article 21 involved, agree कर रहे हैं, Article 22 involved, ये देखिए, फ्रेंडों में क्या डिटेंशन की बातें हैं, साफ साफ मतलब है कि दोनों तरफ, ये तो सोसाइटी में क्राइम रोकना है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी गलत इंसान को भी क्रिमिनल बना दिया जाए वहाँ पे, कल्प्रेट। आर्टिकल 21 और 22 ऑफ द डिटेन पर्सन शुड बी प्रोटेक्टेड। क्या आर्टिकल 21 पता है मुझे? चैट बॉक्स में बताइए स्टूडेंट्स, व्हाट इज आर्टिकल 21, व्हाट इज आर्टिकल 22, मुझे बताइए। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 बिकेम अ नेसेसिटी व्हेन द रिकॉर्डिंग ऑफ न्यूअर फॉर्म्स ऑफ एविडेंस सच एज फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स एंड मेजरमेंट्स स्टार्टेड बिकमिंग मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल। एंड अब जाके फुटप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स, इससे अब रिलायबिलिटी बढ़ गई है, एग्री कर रहे हैं। इसे कहते हैं टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इन क्रिमिनल मींस ये क्राइम डिटेक्शन। तो आइए देखते हैं ये 1920 का, द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड रीजंस फॉर ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 स्टेट्स दैट वैल्यू ऑफ द साइंटिफिक यूज ऑफ फिंगर इंप्रेशंस एंड फोटोग्राफ्स एज एजेंट्स इन द डिटेक्शन ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स इज वेल नोन। लेकिन अब इसको रिप्लेस किया गया है। रिप्लेस क्यों किया गया, आइए देखते हैं, व्हाई वाज दिस अमेंडमेंट नीडेड। 1920 का एक्ट 2022 में रिप्लेस कर दिया गया, व्हाट वाज द नीड टू रिप्लेस दिस एक्ट। इसमें केवल आप ध्यान दीजिए, फिंगर इंप्रेशंस और फोटोग्राफ्स की बात की गई थी। ओवर द इयर्स द नीड टू अमेंड और अपडेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 हैज बीन वॉइस सेवरल टाइम्स। इन 1980 द 87th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन अंडरटूक अ रिव्यू ऑफ द लेजिस्लेशन एंड रिकमेंडेड सेवरल अमेंडमेंट्स। This was done in the backdrop of State of UP versus Ram Babu Mishra case, where the Supreme Court highlighted the need for amending this law. The first set of recommendations laid out the need to amend the Act to expand the scope of measurements to include palm impressions, specimen of signature or writing, and specimen of voice. Kya ye tino cheezein students? Article 22 ke respect mein aap padhte hain, mujhe bataiye fundamental rights mein. Agree kar rahe hain, mujhe bataiye. Article 22 is protection. Yes, protection granted to the detainees, detained people. Preventive detention, punitive detention.
अगर आपने क्राइम कर दिया उसके बाद डिटेंशन हुआ है, पकड़ा गया, डिटेंशन मीन्स पकड़ लिया गया, ठीक है, तो और पकड़ कर बंद कर दिया गया, इसे कहते हैं प्यूनिटिव। क्राइम कर लिया गया है उसके बाद पनिशमेंट के रूप में डिटेंशन। एक होता है प्रिवेंटिव, क्राइम नहीं हुआ है लेकिन डर है कि ये क्राइम करेगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ध्यान दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट्स, मैं बता दूं आपको इस जगह पे, दिस वॉयस स्पेसिमेन सिग्नेचर राइटिंग पाम इंप्रेशन ये देना जरूरी है। यस, सबसे बड़ी बात है इसमें कोई ये नहीं कह सकता है कि नहीं ये तो मेरे खिलाफ ही गवाही हो गई। नो, आपको ही देना जरूरी है, आपको अपने खिलाफ बस बोलना नहीं है, खिलाफ मीन्स यू हैव द प्रोटेक्शन, यू आर अ डिटेन्ड पर्सन, यू हैव द प्रोटेक्शन अगेंस्ट मीन्स पुलिस के सामने अपना क्राइम एक्सेप्ट करना आपका एडमिसिबल नहीं होगा, लेकिन आपको ये सारे निशान सबूत देने हैं, वो पुलिस मेल करती है उस क्राइम स्पॉट से, एग्री कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है स्टूडेंट्स, क्या इस एक्ट से पुलिस का काम आसान हो जाएगा, मुझे चैट बॉक्स में बताइए, इस एक्ट से क्या पुलिस का काम आसान हो जाएगा। सारे काइंड ऑफ मेजरमेंट्स ये देखिए कहा गया है, तो ये पुलिस का काम तो आसान हो जाएगा लेकिन इसमें कुछ एप्रीहेंशंस भी हैं, वही एप्रीहेंशंस को लेकर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट आर द मेन हाइलाइट्स एंड डिफरेंसेस इन बोथ द लेजिस्लेशंस। लाइक द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920, द न्यू क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 2022 प्रोवाइड्स फॉर लीगल सैंक्शन टू लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज फॉर द कलेक्शन ऑफ मेजरमेंट्स। द पर्पस इज टू क्रिएट अ यूजेबल डेटाबेस ऑफ दीज मेजरमेंट्स। यही तो सबसे बड़ी बात, यहीं पर आकर टिक जा रहा है सब कुछ, डेटाबेस, ठीक है, जैसे आपका है पॉलिटी का डेटाबेस, इकोनॉमी का डेटाबेस, साइंस एंड टेक का डेटाबेस, आंसर राइटिंग का डेटाबेस, खुद का डेटाबेस, रोल नंबर्स का डेटाबेस कि यूपीएससी में ये रोल नंबर था, यूपीपीसीएस में ये रोल नंबर था, ठीक है, एमपीपीएससी में ये रोल नंबर था, एसएससी में ये रोल नंबर था, कहीं ये ना हो जाए कि यूपीएससी में यूपीपीसीएस का रोल नंबर देखकर और खुशी मना लिए कि मेरा हो गया, बाद में मालूम चला कि दोनों का रोल नंबर अलग अलग, ठीक है। तो मुझे बताइए, मैं ये क्यों एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्या डेटाबेस में कंफ्यूजन हो सकता है अगर ठीक से नहीं रखा गया तो, मुझे बताइए चैट बॉक्स में, एग्रीड ना। तो डेटाबेस भी तो आके सब कुछ टिक जा रहा है, डेटाबेस इकट्ठा करना बड़ी बात नहीं है, डेटाबेस का इस्तेमाल अच्छा होना चाहिए, अगर इस्तेमाल सही नहीं रहा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी स्टूडेंट्स यहां पे। While at the state level, each state is required to notify an appropriate agency to collect and preserve the database. अब देखिए एजेंसी को नोटिफाई किया जाएगा, ये देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब सवाल ये खड़ा होता है, इतना सारा डेटाबेस, ठीक है, ये क्राइम किया, इसको मिलाप कर दिया कि नहीं, मेजरमेंट देखो यार ऐसा है, मीन्स ऐसा कुछ लग रहा है, इसको अरेस्ट कर लिया जाए। और इंडिया में इतनी जनसंख्या है ना, और कुछ मिले ना मिले, मेजरमेंट जरूर मिल जाएगा एक ही आदमी का, दो मीन्स अगर फिंगरप्रिंट नहीं लिया गया तो, या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं किया गया तो। इसीलिए स्टूडेंट्स डेटाबेस इकट्ठा करना बड़ा चैलेंज नहीं है, उसका इस्तेमाल और स्टोरेज और सटीक तरीके से प्रोटेक्शन देना उसका सबसे बड़ा चैलेंज है। देखिए यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी इज अ बिग चैलेंज, एग्री कर रहे हैं, मुझे बताइए, ये देखिए नेक्स्ट, डेटा यूसेज इज अ बिग चैलेंज, एग्री कर रहे हैं, डेटा एनालिसिस इज अ बिग चैलेंज, एग्री कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए, एंड डेटा, देखिए डेटा सिक्योरिटी, डेटा यूसेज, डेटा एनालिसिस एंड डेटा दिस, ये हो गया, यस, एंड डेटा कंपैरिजन, ये देखिए स्टूडेंट्स, इसी को तो सबसे बड़ा पॉइंट है, एंड इसमें लीक ना हो डेटा, डेटा प्रोटेक्शन रहे, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो मुझे बताइए स्टूडेंट्स, क्या आपके पास भी खूब सारा डेटाबेस है, अपने एग्जाम को लेकर बहुत सारा डेटाबेस होगा भाई, यूपीएससी एस्पिरेंट्स पर डेटा ही डेटा है, ठीक है। और आज से 10 साल पहले अगर कोई कहता है डेटा 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 एनालिसिस, तो किसी को समझ नहीं आता था ये क्या बोल रहा है, डेटा क्या होता है, डी ए टी ए क्या होता है, नहीं समझ में आता है। डेटा मीन्स माइंड में आता था 1 2 3 4 या कुछ बाइनरी डिजिट्स, ठीक है। अब जाकर समझ में आया डेटा मतलब सब कुछ होता है, डेटा मतलब मेरा रोल नंबर भी डेटा ही है, ठीक है, मेरा नोट्स भी डेटा ही है, गॉट द पॉइंट। तो ऐसे सिनारियो में टू मेंटेन अ कंप्लीट, यस, एंड दिस डेटा, डेटा के ऊपर एक और बड़ी बात स्टूडेंट्स, डेटा अनोनिमिटी, मींस उसको किसी के पास, मींस कोई उसको डिकोड ना कर सके, उसको कोडिंग किया जाए, ये देखिए, इट्स नीडेड एट दिस लेवल, दैट्स इट।
नाउ व्हाट आर द कंसर्न्स ऑफ द प्रेजेंट लेजिस्लेशन, आइए देखते हैं क्या क्या कंसर्न्स है जिसके कारण अपोजिशन पार्टीज प्रोटेस्ट कर रही है। ठीक है, वैसे इंडिया में कंसेप्ट साफ है अपोजिशन पार्टीज का, कोई भी पार्टी वो इसलिए नहीं प्रोटेस्ट करती है क्योंकि उस मुद्दे पे दिक्कत होती है, वो इसलिए प्रोटेस्ट करती है क्योंकि उसे प्रोटेस्ट करना होता है, क्योंकि उसे दिखाना होता है कि यस मैं अपोजिशन हूँ। अपोजिशन इज इक्वल टू प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट इज इक्वल टू अपोजिशन। बोला गया भैया आराम से थोड़ा सा पहले समझ लीजिए पूरा और देखिए क्या क्या दिक्कतें, आइए देखते हैं क्या क्या दिक्कतें हैं स्टूडेंट्स, लेट्स सी। Since the Identification of Prisoners Act 1920 was a colonial legislation, its duplication in the Criminal Procedure Act 2022, a post-independence legislation has raised some concerns related to protection of fundamental rights. क्या बात है, उसको कॉपी पेस्ट किया गया है उस एक्ट को और एनहेंस कर दिया गया है। तो कहा जा रहा है 1920 में क्या ब्रिटिश राज था, यस एक्सक्यूज मी, एंड वॉज इंडिया पुलिस स्टेट, टेल मी स्टूडेंट्स। पुलिस स्टेट का मतलब होता है ब्रिटिशर्स अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बनाते थे, तो क्या अगर वही लॉज अभी भी चलेंगे बिना अमेंडमेंट्स के, बिना चेंजेस के कॉपी पेस्ट किया जाएगा, तो क्या ये फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए दिक्कत की बात है? मुझे बता दीजिए स्टूडेंट्स, एग्री कर रहे हैं? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप यूपीएससी के नोट्स जाकर लिखाइएगा ये यूपीपीसीएस में और एमपीपीसीएस में वैसे ही, तो नहीं समझ में आएगा वहाँ के टीचर्स को। और अगर यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस के नोट्स आप जाकर यूपीएससी के आंसर राइटिंग में लिख दीजिएगा तो मींस समझ लीजिए कि मार्क्स आधे से भी कम आ जाएंगे। ये वही बात हो गई, जिस चीज़ के लिए जो बनाया गया है उसी जगह पर इस्तेमाल होना चाहिए। अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है तो वी शुड ब्रिंग इन अ न्यू लेजिस्लेशन, नॉट कॉपी पेस्ट एवरीथिंग एज सच जो ब्रिटिश राज में चल रहा था। एग्री कर रहे हैं? The legislation comes in the backdrop of the right to privacy also being recognized as fundamental right. क्या ये justice, ये क्या ये जो Supreme Court में verdict आया था पुत्ता स्वामी judgment case, मुझे बताइए right to privacy, और right to privacy can be, अब देखिए case जाएगा इस पर, क्या ये infringe होने के chances हैं students अगर इतना measurement लिया जाएगा तो, मुझे बताइए। एग्री कर रहे हैं? इसीलिए बोला जा रहा है कि दैट मेजरमेंट्स, मेजरमेंट्स का मतलब क्या होता है यार? ठीक है, इन दिस केस वेल द फर्स्ट टू टेस्ट आर सेटिस्फाइड, ठीक है, फिंगर ये एज प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम इज अ लेजिटिमेट एम ऑफ द स्टेट, फर्स्ट टू टेस्ट वही फिंगर इंप्रेशंस, ठीक है, एंड लिखा तो था यहाँ, देखिए पहले हैव अ लुक स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा होता, ये देखिए दिस टू मिनट्स, यहाँ देखिए लिखा हुआ है हाँ फिंगर इंप्रेशन एंड फोटोग्राफ्स, ये देखिए। लेकिन सेकेंड पॉइंट ये देखिए मेजरमेंट्स, मेजरमेंट्स का मतलब क्या है भाई, नहीं समझ में आ रहा है, मेजरमेंट्स इज अ वेग वर्ड आउट है। तो डोंट यू थिंक स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाइल द नीड फॉर एक्सपेंशन ऑफ द मेजरमेंट्स दैट कैन बी टेकन इज वेल जस्टिफाइड, द इंक्लूजन ऑफ डेरिवेटिव डेटा सच एज एनालिसिस एंड बिहेवियर एट्रीब्यूट्स हैव रेज्ड कंसर्न्स दैट डेटा प्रोसेसिंग मे गो बियॉन्ड रिकॉर्डिंग ऑफ कोर मेजरमेंट्स, बिहेवियर एट्रीब्यूट भी मेजर किए जाएंगे। अच्छा बिहेवियर, यस, ये बंदा जा रहा है वहाँ पर, ये कहीं क्रिमिनल है, ये जाता है कहीं चाय की दुकान पे खड़ा होता है, फिर बड़ा पाव की दुकान पे जाता है, चाय पीने के बाद पानी पीता है, फिर बड़ा पाव खाता है। मींस आप बताइए क्या बिहेवियर एट्रीब्यूट्स कैन दे बी सब्जेक्टिव, ये अगर मेजर किया जाएगा बहुत चिंता की बात है, यही कहा जा रहा है। सेकेंड पॉइंट दिस, अनलाइक द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 विच प्रोवाइडेड दैट मेजरमेंट विल बी टेकन फॉर दोज ईदर कन्विक्टेड और अरेस्टेड फॉर ऑफेंसेज दैट इंटेल इंप्रिजनमेंट ऑफ वन ईयर और अपवर्ड्स, द करेंट लॉ अलाउज फॉर मेजरमेंट्स टू बी टेकन इफ अ पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड अरेस्टेड फॉर एनी ऑफेंस इंक्लूडिंग पेटी ऑफेंसेज। क्या ये चिंता की बात है स्टूडेंट्स? पहला प्रॉब्लम बिहेवियर एट्रीब्यूट्स, चाय के पहले पानी पीता है, चाय के बाद पानी पीता है, वड़ा पाव के बाद पानी पीता है, वड़ा पाव के पहले पानी पीता है, समोसा चटनी के साथ खाता है या समोसा चाय में डालकर खाता है, ठीक है, ये बहुत दिक्कत की बात है बिहेवियर एट्रीब्यूट्स, ठीक है, रात को 3 बजे से 7 बजे तक पढ़ता है या दोपहर को 3 से 7 तक पढ़ता है, क्या आप ये मेज़र कर पाइएगा मुझे बताइए? ये तो वही बात हो गई कि आपको रोबोट मान लिया गया, आप रोबोट है क्या मुझे बताइए? तो मालूम चला ये बंदा रोज 3 से 7 बजे तक पढ़ता है सुबह में, ये यूपीएससी एस्पिरेंट मान लीजिए, ठीक है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स का मान लीजिए कि हम कर रहे हैं एनालिसिस, तो क्या ऐसा यही होगा कि 365 दिन आप 3 से 7 बजे ही पढ़िएगा मुझे बताइए? अरे इंसान है, एक हफ्ते बाद आपको मालूम चला दिन भर सो रहा है वो बंदा, क्या इसमें गलतियाँ हो सकती हैं?
मैं तो जज करके चल रहा हूँ 3 से 7 बजे तक सुबह ये पढ़ता ही पढ़ता है 4 घंटे, मालूम चला दिन भर सो रहा है 3 दिन से, गलत हो गया एनालिसिस यहाँ पे। सेकंड पॉइंट, 1 साल से ऊपर के जो लोग पनिशमेंट मिला था जिन्हें, उनका पहले मेजरमेंट होता था किस चीज़ का, फिंगरप्रिंट का, और फोटोग्राफ रखे जाते थे। अब क्या हो रहा है, अब बोला जा रहा है किसी भी ऑफेंस के लिए, क्या इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, मुझे बताइए स्टूडेंट्स। यही कहा जा रहा है कि दिक्कत हो सकती है कल को, ठीक है। और लिखा हुआ है द नेसेसिटी ऑफ टेकिंग मेजरमेंट्स ऑफ सच पर्संस फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस इज अनक्लियर, क्यों जरूरत है पेटी ऑफेंसेस, मालूम चला गया कहीं से पर्स पार किया किसी का, चला गया 3 महीने की सजा हुई और उसका डेटाबेस स्टोर हो गया हमेशा के लिए, इट कैन बी प्रॉब्लमैटिक फॉर द फ्यूचर। तो इसीलिए एंड अनदर वरी क्या है, तीसरा वरी ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट से दैट सच कलेक्शन कैन ऑल्सो रिजल्ट इन मास सर्विलांस विद द डेटाबेस अंडर द लॉ, मास सर्विलांस हो सकता है लोगों का अगर इस तरह का डेटाबेस इकट्ठा किया जाए तो। इसी खिलाफ मैं US या बाकी जगहों पर मैं बता दूं, जब ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम AFRS की कंसेप्ट लाया गया तो कहा गया दैट नहीं भाई ये दिक्कत की बात हो सकती है, AFRS ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। आई होप यू गॉट द पॉइंट स्टूडेंट्स। इन शॉर्ट अगर आप पूछिएगा मेरे से कि क्या क्या दिक्कतें यहाँ पे, देखिए पहली दिक्कतें ध्यान दीजिए, मेजरमेंट्स मतलब क्या, मेजरमेंट्स आर इंक्लूडिंग बिहेवियर एट्रीब्यूट्स, इज दिस अ प्रॉब्लम टेल मी स्टूडेंट्स। ये देखिए सेकेंड पॉइंट, मेजरमेंट्स ऑफ कन्विक्ट्स ऑफ एनी ऑफेंस ये देखिए स्टूडेंट्स। थर्ड पॉइंट 1920 एक्ट कॉपीड एंड पेस्टेड, ठीक है उसी में इन्हेंसमेंट्स किए गए हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट मास सर्विलांस, क्या ये 4 पॉइंट्स आपको मिल गए स्टूडेंट्स जो इस नए नियम में दिक्कत पैदा कर रहे हैं, मुझे बता दीजिए स्टूडेंट्स। देखिए लिया हुआ है, देखिए मेजरमेंट्स दैट कैन बी टेकन 1920 का एक्ट, फिंगर इंप्रेशन, फुट इंप्रेशन एंड फोटोग्राफ। अभी देखिए यहाँ पे फिंगर इंप्रेशन, पाम इंप्रेशन, फुटप्रिंट, फोटोग्राफ, आयरिस स्कैन, रेटिना स्कैन, फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल्स एनालिसिस, बिहेवियर एट्रीब्यूट्स, सिग्नेचर, हैंड राइटिंग, सब कुछ तो ले लिया गया। फिफ्थ पॉइंट राइट टू प्रिवेसी इन्फ्रिंज्ड, ये देखिए एग्री कर रहे हैं राइट टू प्रिवेसी, एग्री कर रहे हैं कि नहीं मुझे बता दिए स्टूडेंट्स। एंड सिक्स्थ पॉइंट डेटा सिक्योरिटी, कौन करेगा सिक्योर इतना डेटा यार, ये देखिए हम लोग क्या आइसलैंड हैं या हम लोग क्या ये ट्रिस्टान डा कुन्हा आइलैंड है, ट्रिस्टान डा कुन्हा आइलैंड में कोई नहीं रहता है, इट्स द रिमोटेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, 5-7 लोग कभी कभी चले जाते हैं फिर आ जाते हैं वहाँ से, तो 7-8 लोगों का डेटा नहीं रखना है ना, या आइसलैंड की 2 लाख लोग हैं उनका डेटा रखना है, यहाँ 2 लाख लोग एक घर के अंदर मिल जाएंगे आपको, गेटिंग द पॉइंट। सो टेल मी स्टूडेंट्स वन थिंग, डोंट यू थिंक दैट इन स्पाइट ऑफ गिविंग द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज मैसिव मीन्स, इससे क्राइम डिटेक्शन एंड क्राइम सॉल्विंग बढ़ेगा, बट इट इज हैविंग सम प्रॉब्लम्स आउट हियर एंड दिस नीड्स टू बी टैकल्ड, एग्री कर रहे हैं मुझे बताइए, येस इट इज नीडेड। अब सवाल बस ये खड़ा होता है इसको कैसे चेंज किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, बिहेवियर एट्रीब्यूट्स आर सब्जेक्टिव, द लेजिस्लेशन कुड हैव अवॉइडेड द कंसेप्ट ऑफ बिहेवियर एट्रीब्यूट्स, आई होप यू एग्री। मेजरमेंट्स ऑफ कन्विक्ट्स ऑफ एनी ऑफेंसेस, इसकी जगह पर अगर 1 साल से ऊपर के ऑफेंसेस रहते तो वही उतना भी काफी था। थर्ड पॉइंट वी कुड हैव सीन द 1920 एक्ट कंप्लीटली एंड चेंज द वर्डिंग्स एज वुड बी पॉसिबल फॉर टूडे। एंड फिफ्थ पॉइंट वी वुड हैव सीन दैट राइट टू प्राइवेसी इम्पैक्ट ना हो, हमें मेजरमेंट्स ऐसे लेना है और रखना है गवर्नमेंट एजेंसीज के पास कंप्लीट क्लैरिटी रहेगी कहाँ रहेगा ये मेजरमेंट्स, एग्री कर रहे हैं कि नहीं मुझे बताइए। सेंट्रल गवर्नमेंट तो रखेगी अपने पास, स्टेट गवर्नमेंट को कहा जा रहा है कि आप अपनी एजेंसीज के पास दीजिएगा, कौन सा एजेंसी है भाई, एजेंसी का नाम क्या बताओ, एजेंसी मतलब क्या है बताओ, आई होप यू गॉट द पॉइंट, देर शुड बी क्लैरिटी, नथिंग एल्स, नो वन इज आस्किंग टू स्टॉप दिस एक्ट, देर शुड बी क्लैरिटी इन द वर्ड्स, दैट्स इट, बिहेवियर व्हाट डज इट इंक्लूड। सेकंड पॉइंट दिस मेजरमेंट्स ऑफ कन्विक्ट्स 1 year and above convicted, ठीक है। थर्ड पॉइंट
देयर शुड बी क्लैरिटी वेयर द डेटा इज बी स्टोर्ड, दैट्स इट, नथिंग एल्स। उत्तर स्वामी केस में यही चीज आया था, सरकार इस्तेमाल करे भाई हमारा, लेकिन सरकार अपने पास रखे, कहां दे रही नहीं पता है हमें ना। बस यही वर्ड है यहां पे, देयर शुड बी क्लैरिटी इन द डेटा स्टोरेज एंड डेटा सिक्योरिटी, नथिंग एल्स। क्योंकि कल को ये डेटा हैक करके कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है, एग्री कर रहा है मुझे बताइए। इसीलिए देयर आर सम रिफॉर्म्स नीडेड। आप बोलेंगे सर हम लोग क्रिटिसाइज कर, नहीं हम लोग कह रहे हैं रिफॉर्म्स कह रहे हैं, हमने देखिए रास्ता निकाल दिया यहां पर। अगर बिहेवियर डिफाइन कर दिया जाएगा अच्छा बात रहेगा, एक साल से ऊपर के ऑफेंसेस का मेजरमेंट होगा अच्छी बात रहेगी, एंड थर्ड पॉइंट क्लैरिटी रिगार्डिंग डेटा स्टोरेज एंड डेटा यूसेज, नथिंग एल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक एग्री कर रहे हैं तो ये आप लोग सर ये फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आ सकता है, क्या आ सकता है? और अगर नहीं आएगा तो आर्टिकल 22 पे अगर कोई सवाल आ गया डिटेंशन पर तो जरूर इसको वैल्यू एड कर दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स। ये देखिए वैल्यू एडिशन, रिसेंटली द पार्लियामेंट पास द दिस क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 विच टॉक्ड अबाउट द मेजरमेंट्स टू बी टेकन ऑफ द क्रिमिनल्स कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, इट वॉज अ अमेंडमेंट टू द प्रीवियस एक्ट ऑफ 1920 द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्ट, दैट्स इट। बात समझ में आती है कि कहीं पे भी अगर सरकार लेजिस्लेशन लेकर आ रही है तो सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, इंटरनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस, यस, कम्युनल राइट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, कोई क्राइम नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ में क्लैरिटी जरूरी होती है। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक। ये देखिए है ड्रग शॉर्टेज हॉन्ट्स HIV पॉजिटिव कम्युनिटी। तो इंडिया एक सक्सेस स्टोरी के रूप में चल रहा था 1990s में, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को लेकर NACP में, बता दो स्टूडेंट्स एड्स अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, NACP, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, वन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज, ग्लोबल सक्सेस स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड। ये देखिए मैं बता दूं स्टूडेंट्स HIV पॉजिटिव जो कम्युनिटी है, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये वायरस जैसे द वायरस इन्फेक्ट्स द इंडिविजुअल द इम्यून सिस्टम गोज ब्रेकिंग डाउन एंड द पर्सन सफर्स फ्रॉम न्यूमरस इलनेसेस। जब इम्यून सिस्टम ब्रेक डाउन कर जाएगा द अटैक्स ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स बिकम फ्रीक्वेंट। द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म अटैकिंग द HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल इज द ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, TB, सुना है आपने स्टूडेंट्स? नाउ दिस HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस का लास्ट मींस का एडवांस स्टेज होता है एड्स अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, अगला स्टेज। जब HIV किसी के अंदर डिटेक्ट किया जाता है पॉजिटिव तो उसको देखिए अब लाइफ दैट मींस द पर्सन इज 10 इयर्स या 15 इयर्स का लाइफ टाइम है उसके पास, और उसको दवाइयां देकर उसका लाइफ प्रोलॉन्ग किया जाता है। लेट मी टेल यू इट्स प्रोलॉन्ग टू एटलीस्ट 15 टू 20 इयर्स, सी इट्स फेटल डिजीज, द पर्सन हैज टू डाई। लेकिन वो जो 5 साल जिएगा ना उसको 20 साल तक जिंदा रखा जाता है दवाइयों पर, और उसका इम्यून सिस्टम बूस्ट किया जाता है बार बार। लेकिन अगर ये HIV से प्रोग्रेस कर गया है आगे एड्स में एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम में, तो उस जगह पर दवाइयां ज्यादा देर दिन तक नहीं चलती हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं स्टूडेंट्स, दैट एड्स या ये HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस स्प्रेड्स थ्रू ओनली द बॉडी फ्लूइड्स। मैं बता दूं इसमें बॉडी फ्लूइड्स भी स्पेसिफिक बॉडी फ्लूइड्स, इट्स नॉट लाइक इट्स स्प्रेड आउट इन द एयर, नो, ठीक है, इट स्प्रेड्स थ्रू अनसेफ सेक्स, इट स्प्रेड्स फ्रॉम द मदर टू द बेबी, इट स्प्रेड्स थ्रू द यूज ऑफ द जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनके बीच में बहुत तेजी से स्प्रेड करता है बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ सीरेंजेस एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में अगर कुछ दिक्कत होती है, पर्सन इज इन्फेक्टेड विद HIV और दूसरे को ब्लड दे दिया गया HIV पॉजिटिव, द पर्सन इज इन्फेक्टेड, दैट्स इट। बात समझ में आ रही है? तो ये बीमारी बहुत कॉमन है द अफ्रीकन कम्युनिटीज में, और जिम्बाब्वे वाज वन ऑफ दोस कंट्रीज जिसमें सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया था इसने। लेकिन नंबर्स देखें अगर तो अफ्रीका के बाद इंडिया में ही सबसे ज्यादा नंबर्स हैं एड्स अफेक्टेड इंडिविजुअल्स के। इसी को लेकर भारत सरकार ने नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया था। मैं बता दूं
NSCP नाम है इसका। और इस प्रोग्राम की सफलता के लिए नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया गया था, नैको। नैको आज आपका होमवर्क है, जाकर वेबसाइट पर देखना है, नैको का वेबसाइट। तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज 1, फेज 2, फेज 3 ऐसे करके लॉन्च किया गया था। इसमें क्या करना था, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, एड्स का स्प्रेड रोकना है, क्या किया जाएगा, प्रिवेंटिव क्यूरेटिव दोनों तरफ स्टेप्स थे। किसी भी बीमारी को रोकने के लिए दो तरीके चीजें होती है, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव। जिनको एड्स है उनको टेस्ट करके, डिटेक्ट करके, उनको एक पर्टिकुलर मींस ट्रीटमेंट रेजिमेन पर रख देना कि ये दवाइयां लो और खाना शुरू करो। जिनको नहीं है लेकिन वो लोग उन लोगों के साथ रह रहे हैं जिनको एड्स या HIV है, उनको अवेयर करना रिगार्डिंग द डिजीज, एंड साथ में टू रिड्यूस सोशल स्टिग्मा टुवर्ड्स द पीपल अफेक्टेड विद एड्स। आई होप यू एग्री, किसी प्रोग्राम का यही होगा ना, जिसको बीमारी है उसे थोड़ा ठीक करना, जिसको नहीं है उसको प्रिवेंट करना उसके अंदर, एंड थर्ड सोशल स्टिग्मा रोकना, इंक्लूडिंग अवेयरनेस, यूज ऑफ मास मीडिया, यस। और इसी को लेकर लॉन्च किया गया था ये प्रोग्राम। बहुत ये एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी लॉन्च की गई थी, ड्रग्स दिए जा रहे थे जिन लोगों को HIV पॉजिटिव डिटेक्ट किया गया था। लेकिन अभी ड्रग शॉर्टेज चल रहा है, पिछले 2 महीने से 1 महीने से चल रहा है, मैं देख रहा हूँ न्यूज में, ठीक है। और यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री रिस्पॉन्स टू प्रोटेस्ट इन न्यू दिल्ली सेज देयर इज नो स्टॉक आउट ऑफ ड्रग्स एट नेशनल एंड स्टेट लेवल्स। लेकिन कम्युनिटी बोल रही है, एड्स कम्युनिटी बोल रही है कि नहीं है, ड्रग्स नहीं मिल रहे हैं हमें। ये देखिए यहाँ पे कौन कौन सी बीमारियां हैं, ये देखिए कौन कौन सी ड्रग्स है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है लोपिनावीर या रिटोनावीर, ये देखिए अबेकावीर, ये सब दवाइयां चलती हैं बड़े और बच्चों के लिए। मैं बता दूं, बच्चे दोज हु आर बॉर्न टू HIV पॉजिटिव वुमेन, उनके उनको कितनी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है जीवन में, इमेजिन कीजिए। दे आर themselves अ लेसन टू द वर्ल्ड एंड द कम्युनिटी टू लिव, कि क्यों जब तक जिंदा रहिए तब तक खुशी खुशी रहिए, दैट्स इट। तो इस चीज़ को स्टूडेंट्स, ये भैया एड्स को लेकर अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए टेलीविज़न एंड दूरदर्शन का भी बहुत इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ठीक है, रेट्रोवायरस होता है ये अगर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, अगर आप बोलेगा कि सर ये दवाइयाँ अगर नहीं मिल रही हैं तो सर क्या इसका तो दिक्कत में है प्रोग्राम, प्रोग्राम दिक्कत में है, एग्री कर रहे हैं। इन शॉर्ट दिस इज अ टॉपिक ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस में एक टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये देखिए गवर्नेंस, ये देखिए, आइए देखते हैं GS पेपर 2 का सिलेबस, हैव अ लुक, गवर्नेंस का एक टॉपिक है, ये देखिए वेलफेयर स्कीम्स एंड इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ, तो शॉर्टेज ऑफ ड्रग्स, एड्स ड्रग्स, ये देखिए नैको। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, टेल मी इन द चैट बॉक्स, क्या समझ में आ रही है बातें, ये वैल्यू एडिशन है। अगर कोई पूछेगा हेल्थ सेक्टर में क्या क्या परेशानी चल रही है, रिसेंटली द एड्स मेडिकेशंस वेंट मींस वाज आउट ऑफ स्टॉक, द रेट्रोवीर, ये रेटिनोवीर या लोपिनावीर जो मेडिसिन से आप पुटअप कर दीजिएगा, वहां पर लिख दीजिएगा, +1 मार्क्स मिल जाएंगे वैल्यू एडिशन के रूप में। और मींस मेडिकल फील्ड में क्या क्या कमियां है, इससे भी आ सकता है, कोट कर लीजिएगा। क्या ये क्लियर है बच्चा लोग, आगे बढ़ जाएं हम लोग, मुझे बताइए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, और आपका आज होमवर्क है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट देखना है आपको। नेक्स्ट इंटरनेशनल रिलेशंस, आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, इंडिया एंड बांग्लादेश रिव्यू डिफेंस रिलेशंस ड्यूरिंग मीट, तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये प्रॉस्पेक्ट्स है, इंडिया एंड बांग्लादेश कैन प्रमोट देयर रिलेशंस इन डिफेंस ऑल्सो, इज डिफेंस बिकमिंग अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज एंगेजमेंट विद द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, मुझे चैट बॉक्स में बताइए, इज डिफेंस बिकमिंग अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज एंगेजमेंट विद द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज। डिफेंस में डिफेंस एक्सरसाइज भी आता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक्सरसाइज भी आता है एंड डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी आते हैं, ठीक है, डिफेंस इंपोर्ट्स भी आते हैं, एग्री कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और साथ में ध्यान दीजिएगा डिफेंस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस में पार्टिसिपेशन भी आता है, डिफेंस या सिक्योरिटी रिलेटेड, ये देखिए क्वाड या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आई होप यू एग्री, डिफेंस इज बिकमिंग अ इंटीग्रल एलिमेंट ऑफ इंडियाज कोऑपरेशन, दैट्स इट। आइए आगे बढ़ते हैं,
गुलिर्मो रियोस इज द न्यू लीडर ऑफ UNMOGIP। अब सर ये UNMOGIP क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं? यही तो बात है, हमें पढ़ना पड़ेगा। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, UNMOGIP यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये कब बनाया गया था? 1949, याद कीजिए, जब पाकिस्तान ने अटैक किया था जम्मू एंड कश्मीर पर। जम्मू एंड कश्मीर के राजा राजा हरि सिंह आए थे इंडिया के पास और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके दिया था। जम्मू एंड कश्मीर पर इंडिया का ही हक है, किसी और देश का नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने पठान के भेष में भेज दिया था वहाँ के अपने सोल्जर्स को और श्रीनगर तक उन लोगों ने कैप्चर किया था रीजन को। उसके बाद द इंडियन आर्मी पुश्ड देम अवे, बट स्टिल दे वर सक्सेसफुल इन कैप्चरिंग सम पार्ट ऑफ J&K, जिसे आप आज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के रूप में जानते हैं। एग्री कर रहे हैं? मुझे बताइए स्टूडेंट्स, ये देखिए, दिस वॉज द रीजन विच इज स्टिल अंडर देयर ऑक्यूपेशन, दिस इज द POK। उसी समय UN इंटरवीन करता है, UN का काम है इंटरवीन करना, ठीक है, और उसने इस्लामाबाद और श्रीनगर में बेस्ड करके ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया। ये देखिए क्यों, स्ट्रीमलाइन करने के लिए पीस उस जगह पे। ये ऑब्जर्वर ग्रुप है, मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है वहां पर, ठीक है। इंडिया वॉज अगेंस्ट दिस ऑब्जर्वर ग्रुप फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, द फर्स्ट ग्रुप ऑफ UN मिलिट्री ऑब्जर्वर्स अराइव्ड इन द मिशन एरिया ऑन 24 January 1949 टू सुपरवाइज द सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द स्टेट ऑफ J&K। एंड ये अभी तक चल रहा है, सोचिए। और अब नए पर्सन हैं, ये अर्जेंटीना के पर्सन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अर्जेंटीना के पर्सन है एडमिरल रियोस, गुलिर्मो रियोस। ही विल सक्सीड मेजर जनरल जोस एलादीन अलकायन ऑफ यूरुगुए। अब देखो सर, अर्जेंटीना का ये बंदा सर हमारे लिए काम करेगा, मींस कैसा काम करेगा, नहीं करेगा, मैं बता दूं आपको। अर्जेंटीना के साथ इंडिया के रिलेशंस अभी 6 महीने से अच्छे होने लगे हैं। हमने कहा अच्छा, अच्छे होने लगे, यस। ये देखिए द मिनिस्ट्री ऑफ, ये देखिए द लेटेस्ट अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द अर्जेंटाइन नेवल फिगर टू हेड द UNMOGIP हाउएवर हैज कम एट अ टाइम व्हेन इंडिया एंड अर्जेंटीना आर वार्मिंग अप ऑफिशियल लेवल डायलॉग। अर्जेंटीना विच फॉट द वॉर ओवर फॉकलैंड आइलैंड्स। पता है अर्जेंटीना के पास में एक आइलैंड है फॉकलैंड द्वीप, क्या वो UK ने कैप्चर किया हुआ है सिंस नाइन, देखिए UK ने कैप्चर किया हुआ और 1982 में उस पर वॉर छिड़ा था। अर्जेंटीना वॉन्टेड टू रिक्लेम इट बैक, UK ने उसे निकाल दिया बाहर। तो अब इंडिया ने अभी जस्ट अर्जेंटीना के फॉरेन मिनिस्टर को होस्ट किया था अप्रैल में, और अब अर्जेंटीना की एम्बेसी रीओपन हो रही है 2021 में अपनी मिलिट्री विंग के साथ में, यानी इंडिया और अर्जेंटीना वार्म अप कराने रिलेशंस को। शायद UNMOGIP के नए लीडर इंडिया के फेवर में ही रहेंगे हमेशा। इज दिस क्लियर, टेल मी स्टूडेंट्स। ये देखिए, तो इसका मतलब है कि इनका क्या काम है? इनका कोई काम नहीं है, ठीक है, ये कुछ काम ही नहीं करेंगे, ये जीप में बैठेंगे वहां पर और थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे। क्या कर रहे हो? ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इंडिया वॉज अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन इन द रीजन। कोई भी रहता है भाई, मैं बता दूं आपको, जब देखिए थर्ड पार्टी इंटरवेंशन तब ना होता है जब डिस्प्यूट होता है। यह डिस्प्यूट है ही नहीं। किस बात का डिस्प्यूट? कौन सा डिस्प्यूट? अरे भाई, जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा, तो डिस्प्यूट कहाँ से आ गया इसमें? ऑफिशियल कागज के पन्ने पे लिखा हुआ है, तो डिस्प्यूट कहाँ से हो गया? क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सो UNMOGIP हेडक्वार्टर्स कब बना था देख लीजिएगा, बस इतना काफी है स्टूडेंट्स प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस UNMOGIP जरूर मेंशन कीजिएगा अगर कुछ आएगा तो, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया स्लैम्स चाइना फॉर ब्लॉकिंग मूव अगेंस्ट जैश ए मोहम्मद डिप्यूटी चीफ। ये देखिए रऊफ असगर, ये सब ना टेररिस्ट सब, मतलब क्या कहा जाए, पूरा का पूरा परिवार ही उसमें इन्वॉल्व हो गया है। ये देखिए अब क्या बताया जाए, ये यहाँ पे भी इन लोग, ये टेररिस्ट के केसेस में भी द होल फैमिली इज इन्वॉल्व इन द सेम ऑक्यूपेशन। और बीजिंग का ये डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ टेररिज्म कहा जाता है, डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ टेररिज्म। ये वही बात हो गई स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ लेकिन ध्यान दीजिए, कॉलेज में गए आप, कॉलेज में जाते ही आपको डिस्कशन हुआ बाहर में फर्स्ट डे, ठीक है, फर्स्ट डे या रैगिंग के बाद, रैगिंग पहले होता था, ठीक है, मान लीजिए 3-4-6 महीने बाद आप यूज टू हो गए, फिर अपना आप इंप्रेशन बनाने के लिए क्लास में से डिस्कशन हुआ कि यार चीटिंग
क्या होना मीन्स यार एग्ज़ाम आ रहा है तो लेट स्टडी लेट स्टडी। आपने कहा हाँ पढ़ना, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बहुत पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ाई से ही आगे बढ़ेंगे। और मालूम चला रूम पे जाके सो रहे हैं आप, ठीक है। बाहर जब भी निकल रहा है कोई पूछ रहा है तब क्या चल रहा है, अरे पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। इसे कहते हैं डबल स्टैंडर्ड्स ऑन स्टडीज़, ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। तो माहौल बनाए हुए हैं पढ़ाई का और जाकर रूम के अंदर सो रहे हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर एक ही टॉपिक पे दो तरीके से व्यवहार किया जाए उसे डबल स्टैंडर्ड्स ही कहते हैं। चाइना सेज टेररिज्म इज वेरी बैड, फिर पाकिस्तान को कहता है चल 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 ठीक है प्रमोट करो उसे आगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही चाइना करता है। आई होप यू आर यू कैन हियर मी, टेल मी स्टूडेंट्स इन द चैट बॉक्स। और यही हुआ था आज से 3 साल पहले, मैं बता दूं स्टूडेंट्स, ठीक है 3 साल पहले यही हुआ था। मसूद अजहर को भी टेररिस्ट जब घोषित करना था इंटरनेशनल टेररिस्ट, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया बार बार ये प्रमोट कर रहा है और फ्रांस और यूएस को कह रहा है कि आप लेकर आइए लेजिस्लेशन, उसको कोई वीटो नहीं होगा, वो टेररिस्ट है। और चाइना बार बार वीटो कर रहा है कि नहीं ये टेररिस्ट नहीं है, ये तो यार बहुत अच्छा आदमी लग रहा है चेहरे से, ठीक है। बोला गया ऐसा है ना उसको घर पर ले जाकर रखो अपना, तब समझ में आएगा कितना अच्छा आदमी है चेहरे से और क्या करेगा तुम्हारे साथ में। मैं बता दूं आपको स्टूडेंट्स, 1990 के आसपास की बात है, अभी तो चाइना और पाकिस्तान बहुत दोस्ती हो गई है। उस समय पाकिस्तान F-16 विमान लेकर अमेरिका से अपने आप को प्लूटो से कम नहीं समझता था, इस सोलर सिस्टम के राजा से कम नहीं समझता था, ठीक है। तो पाकिस्तान उस समय 1990s की बात है, अचानक से सैटेलाइट इमेजेस आए चाइना के अंदर कि पाकिस्तान कुछ नदियों का रुख मोड़ रहा है अपनी तरफ। तो चाइना गया पाकिस्तान के पास, उसने कहा मैंने तुम्हें पैसा दिया है तो उसी पैसे से मेरी तरफ की नदियों को अपनी तरफ मोड़ रहा है। तो पाकिस्तान वॉज लाइक यार आदत सी हो गई है, ठीक है गलती हो गई, अब क्या किया जाए, लेकिन आदत है, जब आदत हो जाती है ना तो आप पैसा दीजिए या कोई पैसा दे मैं उसी के खिलाफ काम करूंगा। चाइना ने कहा यार अजीब अजीब देश है, अजीब कंसेप्ट है इसका, इट्स द सेम थिंग एज दैट दैट अभी चाइना सपोर्ट करा, बोला ले जाओ अपने साथ में, तब मालूम चलेगा कि क्या करेगा ये आदमी, ठीक है। तो ये देखिए रऊफ असगर ब्रदर ऑफ जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर एंड प्लान एंड एग्जीक्यूटेड द IC-814 हाईजैकिंग, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, 1999 कंधार केस, वॉन्टेड फॉर पार्लियामेंट अटैक 2001, टेरर स्ट्राइक, सिक्योरिटी फोर्सेज इन पुलवामा रिसेंटली। मुझे बताइए स्टूडेंट्स इस जगह पर, मुझे बताइए, इसीलिए मैं बता दूं आपको इंडिया का स्टांस जो है एट प्रेजेंट रिगार्डिंग, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, लेट मी टेल यू, इंडिया का जो एक्सटर्नल अफेयर्स है, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जो आज की तारीख में अपना स्टांस एक ही रखा हुआ है, दैट ह्यूमैनिटी के खिलाफ कुछ भी होगा हम उसको नहीं सहेंगे किसी भी देश में। एग्री कर रहे हैं मुझे बता दीजिए, ओके बहुत अच्छी बात है, दैट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से आप सवाल पूछिएगा, ठीक है। आज की तारीख में देखिए मैं बता दूं इंडिया का आज का जो स्टांस चल रहा है एक्सटर्नल अफेयर्स में, बहुत सटीक स्टांस चल रहा है एट वेरियस जंक्चर्स, इंडिया इज सक्सेसफुली मैनेजिंग इट्स एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी, आई होप यू एग्री विद मी। और इंडिया एक्सटर्नल अफेयर्स में अभी तक मैनेज करता भी रहा है सफलतापूर्वक सब कुछ, क्योंकि इंडिया का मन साफ है, जिसका मन साफ होता है ना उसको कोई प्रेशर उसको कोई दिक्कत नहीं होती है बोलने में। तो मुझे बताइए स्टूडेंट्स क्या ये इंडिया चाइना रिलेशंस में खटास पैदा करेगा, मुझे बता दीजिए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने टेररिस्ट इंटरनेशनल टेररिस्ट बनाने के लिए इसके लिए एक नया बिल लेकर आए थे, बीजिंग ने कह दिया नहीं चाहिए नहीं करना है। मुझे बताइए इज दिस अ बिग चैलेंज कमिंग अप इन इंडिया चाइना रिलेशंस, ही देखिए। एंड सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट्स मुझे बताइए, देखिए चाइनाज पुअर रिकॉर्ड ऑन टेररिज्म एट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पुट इनिशियल होल्ड्स ऑन लिस्टिंग ऑफ हाफिज सईद एंड जाकिर रहमान लखवी बिफोर फाइनली रिलेंटिंग ओवर द पास्ट डिकेड, ब्लॉक्ड मसूद अजहर लिस्टिंग फ्रॉम 2008 टिल 10 एंड 16 टिल 19 बिफोर विड्रॉइंग ऑब्जेक्शन आफ्टर पुलवामा अटैक, पुलवामा अटैक में मसूद अजहर का भी इन्वॉल्वमेंट था, प्लेसेज होल्ड ऑन डेजिग्नेटिंग ऑफ सईद ब्रदर इन लॉ अब्दुल मक्की इन जून 2022 वैलिड टिल डिसंबर। ये देखिए ब्लॉक कर रहा है बार बार,
बहुत दिक्कत की बात है स्टूडेंट्स। तो ये सेकेंड टाइम नहीं, इतिहास गवाह है, जीवन भर इस चाइना ने यही किया है, ये देखिए। और ये चिंता की बात है, मैं बता दूं आपको, इंडिया का स्टांस टेररिज्म को लेकर बहुत सटीक है, किसी भी देश में हो। इट्स अ ग्लोब, इट्स अ इविल, इट्स अ मिनेस, इट शुड बी रिमूव, दैट्स इट। तो क्या हम लोग आगे बढ़े स्टूडेंट्स, कैसे इंडिया चाइना रिलेशन में पुट अप कीजिएगा, क्या टेररिज्म क्यों वर्ल्ड में स्प्रेड हो रहा है, क्या इसी को कहते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। ये देखिए पाकिस्तान करता है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, और ध्यान दीजिएगा, और चाइना करता है स्टेट सपोर्टेड टेररिज्म। ये देखिए चाइना स्टेट सपोर्टेड टेररिज्म, ये देखिए इसका मतलब क्या है। पाकिस्तान तो एक्टिवली इन्वॉल्व है, पैसा देता है, ले जाओ टेररिज्म करो, चाइना इज लाइक चुपचाप बैठे रहेंगे, यस करो कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट सपोर्टेड टेररिज्म कॉन्सेप्ट कम सब, इज इट क्लियर। तो ये नया शब्द आया, ध्यान दीजिएगा चाइना का, और ये चाइना के लिए क्लासिकल एग्जाम्पल डबल स्टैंडर्ड्स को लेकर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाए स्टूडेंट्स। देखिए चाइना का कॉन्सेप्ट साफ साफ ये शो कर रहा है कि वो दुनिया में ना तो पीस चाह रहा है ना कुछ कर रहा है, उसे केवल प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है अपने वेस्टर्न फ्रंट पे भी और ताइवान के साथ भी। आइए आगे बढ़ जाए अगले टॉपिक पर, और देखिए चाइना की बात आई, और ये देखिए श्रीयू, ये देखिए स्टूडेंट्स श्रीयू, अब ये नया वायरस लंगिया वायरस, मतलब क्या कहा जाए, ठीक है, कि क्या कहा जाए, वायरस ही वायरस चल रहा है चाइना में। अब वो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है और वहाँ वायरस कह रहा है कि मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, नया नया वायरस आ रहा है वहाँ पे, डजन्स ऑफ पीपल हैव फॉलन इल। ये देखिए स्टूडेंट्स इन चाइना डजन्स ऑफ पीपल हैव फॉलन इल आफ्टर इन्फेक्टेड विद अ न्यू वायरस विच इज ऑल्सो फाउंड इन श्रीयूज। ये देखिए स्टूडेंट्स, अब ये छोटा सा जानवर देखिए कितना परेशान कर दिया, उसमें भी वही सेम चीज, लंग गया वायरस, ठीक है, लग गया वायरस, सोच लीजिए, गेट द पॉइंट, हैव अ लुक, मुझे लगा लग गया वायरस, ऐसा 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 स्पेलिंग ही है। ये देखिए फीवर, फैटीग, कफ, नोजिया, हेडेक, ये देखिए, एंड ब्लड सेल अबनॉर्मलिटीज, अब तो और परेशानी की बात है। ये देखिए स्टूडेंट्स, तो चाइना इज लाइक हर घर वायरस, हर रोज वायरस, नए नए वायरस, पुराने पुराने वायरस, ये देखिए। और इसके बाद इंपेयर्ड लीवर फंक्शनिंग, किडनी फंक्शनिंग, ये देखिए बहुत दिक्कत की बात है स्टूडेंट्स। और उसके बाद श्रीयूज में नेचुरल रिजर्वायर है, ये अभी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं हुआ है, लेकिन हो जाएगा अभी जिस हिसाब का कंडीशन चल रहा है। ये देखिए मतलब क्या कहा जाए, अब गेटिंग द पॉइंट स्टूडेंट्स, श्रीयूज में वायरस, अब देखिए जब ये सारा जानवर ही खा लिया जाएगा तो वायरस तो स्प्रेड करेगा ना भाई, ठीक है। अब जब जानवर जाकर खाया जा रहा है लेकर लाकर, ठीक है, इससे अच्छा है उसकी घर में जाकर रहो, वो कम से कम वहीं तुम ही को पकड़ेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, लंगिया वायरस और लग गया वायरस से आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, जीएस पेपर 3, इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। ये देखिए यूएन 7.3% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन ओन्ड डिजिटल करेंसी इन 2021, सेवेंथ इन द वर्ल्ड रैंक। ये देखिए यही लाइव मिंट का न्यूज है स्टूडेंट्स, ठीक है, यह जूनोटिक वायरस है। और अब आप बोलेगा सर क्या इंडिया को खतरा है इससे, इंडिया को खतरा हो या ना हो, यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पेपर में जरूर खतरा है, जूनोटिक्स के ऊपर सवाल पूछ दिया गया, ऐसे मत पूछ दिया जाए, ऐसे पूछा जाएगा तो आपको सिम्टम के साथ बताना पड़ेगा, राइज ऑफ जूनोटिक्स। तो ये नहीं कि जूनोटिक का केवल डेफिनेशन बताकर और फिर आगे बढ़ दिए इकोनॉमिक इंपैक्ट, सोशल इंपैक्ट, पॉलिटिकल इंपैक्ट, नहीं नहीं नहीं, जूनोटिक इलनेसेस के टाइप्स बताने पड़ेंगे आपको वहां पे, एंड आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा तब जाकर ही मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखिए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये देखिए अंकटाड 2021 में उसने कहा, ठीक है, दैट टॉप 20 कंट्रीज कौन कौन सी हैं जहां पर अच्छा खासा शेयर है डिजिटल करेंसी का, ठीक है, सो ओवर 7% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन ओन्स डिजिटल करेंसी अकॉर्डिंग टू यूएन, विच सेड दैट द यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसी रोज ग्लोबली, क्रिप्टो करेंसी कितने लोग इस्तेमाल करते हैं इंडिया में, कितने लोग ओन करते हैं, 7%। ये देखिए स्टूडेंट्स एग्री कर रहे हैं, यूक्रेन टॉप द लिस्ट 12.7%, यूएस हैज 8.3% शेयर एंड इंडियंस हैव 7% शेयर। ये देखिए
टोटल इंडिया में से 7% लोग ठीक है ओन करते हैं डिजिटल करेंसी, दैट इज क्रिप्टो करेंसी। एंड रैंक वन पे यूक्रेन है, बस इतना याद रहे। ये कौन निकाला रिपोर्ट? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये देखिए वायरस का सीजन नहीं चल रहा, वायरस के साल ही चल रहे हैं अभी। मुझे तो नहीं पता कि सीजन क्या होता है, साल ही साल चल रहा है, वायरस का जमाना ही चल रहा है एट प्रेजेंट मुझे लग रहा है। तो टेल मी स्टूडेंट्स, क्या ये क्लियर हुआ ये टॉपिक? बस क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक वैल्यू एडिशन टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी का। तो आपको बस सवाल आता है क्रिप्टो करेंसी यूसेज इज राइजिंग या नॉन फंजिबल टोकन, कुछ ना कुछ सवाल आएगा मेंस में इस बार, जरूर से ये वैल्यू एडिशन देखिए 2022 के मेंस में आप कर सकते हैं। यस, अंकटाड एक और रिपोर्ट निकालता है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, जिसमें FDI पुट होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो ये एक न्यूज हो गया स्टूडेंट्स, एक न्यूज हो गया लंगिया वायरस, एक न्यूज हो गया ये चाइना का डबल स्टैंडर्ड्स एंड स्टेट सपोर्टेड टेररिज्म, ये देखिए स्टूडेंट्स। और उसके अलावा UNMOGIP फैक्ट शीट, उसके अलावा दिस इंडिया डिफेंस, इंडिया बांग्लादेश डिफेंस रिलेशंस, उसके पहले स्टूडेंट्स ड्रग शॉर्टेज, नेको, NSCP, ठीक है 15-20 साल के लिए ड्रग्स देकर मींस दवाइयां देकर HIV पॉजिटिव कम्युनिटी का लाइफ प्रोलॉन्ग किया जाता है। उसके पहले ये देखिए आइडेंटिफिकेशन एक्ट्स आप देखिए और इसमें क्या परेशानियां आपने पढ़ा स्टूडेंट्स। उसके पहले क्लाइमेट चेंज को लेकर वैल्यू एडिशंस, ये देखिए हंगरी का लेक, ये देखिए एक और भी लेक है, बेडेन लेक है, BEDEN, ठीक है। बाइडेन मत सोचिएगा, मैं बता दूं आपको, जोसेफ बाइडेन मत सोचिएगा स्टूडेंट, जोसेफ बाइडेन पर्सनैलिटी है अलग, ये बेडेन लेक है, BADEN, ये देखिए इट्स इन ऑस्ट्रिया, कहते हैं इट्स अ नेचुरल स्प्रिंग, ये देखिए बेडेन लेक। ऐसा ना हो जाए कि बेडेन और बाइडेन को कंफ्यूज कर दीजिए आप। बेडेन लेक इज वेरी फेमस इन ऑस्ट्रिया, इट्स सेड दैट इट इज फुल ऑफ मिनरल्स, इट्स अ नेचुरल स्प्रिंग, ठीक है, झरना है गर्म पानी का, जाकर मस्त नहाइए और बीमारियां दूर कीजिए। कहते हैं फुल ऑफ मिनरल्स, जितनी भी बोन रिलेटेड इलनेस है, बीमारियां हैं, सब खत्म हो जाती हैं। मीन्स उसमें ऐसा नहीं है कि आप सोचिएगा क्या सर उसमें कौन सा, मीन्स सर क्या भगवान ने वहाँ पे कुछ पुटअप किया या नहीं, नहीं ऐसा नहीं है कुछ भी, इट्स जस्ट साइंस के हिसाब से इट इज़ फुल ऑफ मिनरल्स। यस, अंकटाड का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो मुझे बताइए स्टूडेंट्स आज का सेशन कैसा रहा, ठीक है। ये देखिए झारखंड का ड्रॉट और ये देखिए कॉन्गर ग्लेंजर आइस शेल्फ, मुझे बताइए कैसा रहा आज का सेशन, इज इट क्लियर? तो बस आधे घंटे में मिलते हैं, आधे घंटे से 35 मिनट में एडिटोरियल का सेशन इसी चैनल पर, आपका चैनल है ये IAS नॉलेज मंत्रा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, मैं बता दूं आपको, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और नोटिफिकेशंस के लिए बेल को भी प्रेस कर दीजिए टू गेट द नोटिफिकेशंस व्हेनेवर द सेशन स्टार्ट्स ऑफ। दैट्स इट स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आप ही का चैनल है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड सिटीजन एंगेजमेंट का चैनल है एंड द बेस्ट चैनल फॉर UPSC प्रिपरेशन इन द कंट्री। आई होप यू एग्री, इससे बढ़िया चैनल नहीं मिलेगा। आप डिफरेंट देख लीजिए वीडियोस के प्लेलिस्ट, और मैं बता दूं प्लेलिस्ट ये करंट अफेयर्स का अरेंज करके आज आपको पुटअप हो जाएगा। मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, दैट मैपिंग रिलेटेड वीडियोस भी इसी चैनल पर उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। एंड टू गेट द PDF ऑफ दिस सेशन, कम अप॑ द टेलीग्राम चैनल IAS टॉपर्स मंत्रा, और हमारे पेड कोर्सेज के लिए इंटरेक्ट कीजिए 7276637094 मोबाइल नंबर या 8329637094 मोबाइल नंबर। अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स आर आल्सो अवेलेबल अपॉन द पेड कोर्सेज एंड यस 2023 क्रैक करना है, जुड़ जाइए हमारे साथ एक सीरियस तरीके से, देखते हैं कैसे नहीं क्वालिफाई करते हैं हम लोग, देखते हैं स्काई इज द लिमिट, तो क्यों नहीं क्वालिफाई करते हैं टॉप 10 रैंक से, देखते हैं क्या दिक्कतें हैं जीवन में, क्यों नहीं वो हटा दी जाए एक बार में, देखते हैं टॉपर ने कैसा आंसर लिखा था, तो क्यों नहीं उस आंसर से बढ़िया आंसर हम लोग लिखते हैं, देखते हैं कि रैंक वन को कितने मार्क्स आए थे लास्ट ईयर, तो क्यों नहीं इस बार वो मार्क्स का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया जाए, देखते हैं कि जीवन में माता पिता ने इतना सब कुछ किया है हमारे लिए, तो क्यों नहीं एक बार खुशी का मौका उन्हें भी
दे दिया जाए, वो इसके हकदार हैं। विद दीज वर्ड्स आई विल एंड द सेशन स्टूडेंट्स। नमस्कार, जय हिंद, लेट्स मीट इन 30 मिनट्स अप्रॉक्सीमेट।